हाय एवरीवन आज निफ्टी ने फिफ्टी टू वीक लो ब्रेक किया यानी वो सिग्नल क्या है तो वो मैं बता दूं दोस्तों कितना नीचे जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती और बॉटम हमें पता नहीं है इसीलिए बॉटम फिशिंग की ट्राई ना करें और आज का वीडियो विदाउट माइक हम बना रहे हैं क्योंकि माइक मैं भूल गया हूँ अपने ऑफिस पर और मुझे लगा कि अभी ये वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने स्पेशली आपके लिए ये वीडियो बनाया है डेफिनेटली हम सभी के लिए यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट मैं बता दूं दोस्तों कि फिफ्टी टू वीक लो बनना इट्स नॉट अ गुड साइन क्योंकि जब फिफ्टी टू वीक हाई बना था तो वो बहुत अच्छी साइन थी और वहाँ से मार्केट कितना बढ़ा था चलिए दिखाता हूँ थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना क्योंकि मैं पास डेटा पे जा रहा हूँ जब हम ये लेवल पे थे दोस्तों यानी फोर्थ में ट्वेंटी ये मंथली चार्ट है निफ्टी का सो दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व सो अप्रोक्सली दिस ट्वेल्व कैंडल्स जो है उसका हाई ये था वन टू फोर थ्री जीरो पॉइंट फिफ्टी तो ये था फिफ्टी टू वीक हाई वो ब्रेक हुआ था सो फिफ्टी टू वीक हाई वॉज वन टू फोर थ्री जीरो तो दोस्तों क्यों तब वन टू फोर थ्री जीरो ब्रेक हुआ तो तब सब लोग बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे थे दोस्तों डेफिनेटली वो अच्छी बात है लेकिन मंदी में भी वी कैन मेक द मनी हम फूट ले सकते हैं हम निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं या जो कैश का जो शेयर है उसमें एग्जिट कर सकते हैं बहुत सारे रास्ते हैं पर कोई स्टॉप लॉस नहीं करता है और कहते हैं स्टिल इन्वेस्टेड आज नहीं तो कल भाव आ जाएगा तो मैं आपको एक बहुत ही हॉरर फिल्म दिखाने जा रहा हूँ डरा नहीं रहा हूँ जो रियलिटी है वही मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे ये फिफ्टी टू वीक हाई ब्रेक हुआ था चलिए एक लाइन रख देता हूँ वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है थोड़ा नेट भी स्लो है थोड़ी दिक्कत है आज यहाँ पे तो ये जो हाई ब्रेक हुआ था आ, उसके बाद निफ्टी ने आपको पता ही है कि एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक का लाइफ टाइम हाई बना है ओके सो फिफ्टी टू वीक हाई यहाँ पे ब्रेक होने के बाद निफ्टी अगर फाइव टू सिक्स थाउजेंड पॉइंट बढ़ सकती है तो फिफ्टी टू वीक लो बना के वो नीचे क्यों नहीं गिर सकती है डेफिनेटली गिर सकती है उसमें जगह है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फाइव टू सिक्स थाउजेंड पॉइंट की जगह है लेकिन जगह हो सकती है राइट ट्रेंड चेंज होगा तो देखेंगे प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक हो तो देखेंगे फिर ये मंथ खत्म होने के बाद ये करंट मंथ का हाई ब्रेक होगा तो देखेंगे तब ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं होता है बट कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कभी भी ऐसा नहीं है कि फिफ्टी टू वीक लोग आज बना है राइट तो यहाँ पे सपोर्ट ढूंढो जब फिफ्टी टू वीक हाई बना था तो इतनी बड़ी मूवमेंट आ सकती है तो फिफ्टी टू वीक लो बनाने के बाद आने की चांसेस क्यों नहीं आ सकता है ठीक है सिर्फ ये फिफ्टी टू वीक हाई जो पुराना हाई था उसी को भी अगर टच करता है तो वहाँ पर भी क्या होगा लोगों को पता है इसीलिए हम सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कह रहे हैं हम डरा नहीं रहे हैं दोस्तों कि स्टॉप लॉस करना जरूरी है दुनिया का कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो उसमें राइट एंट्री मायने रखती है और दुनिया का सबसे फंडामेंटली वीक स्टॉक हो उसमें भी राइट टाइम पे एंट्री करके वी कैन मेक द मनी यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी जो थी वही एक चैनल में फिलर के लिए मूव कर रही है ये चैनल के ऊपर थोड़ा बहुत उसने देख सकते हैं कि अच्छा खासा मूवमेंट दिया था दो तीन हजार दो से ढाई हजार पॉइंट का फिर ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेक किया फिर वो सपोर्ट बना सपोर्ट तोड़ दिया अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि उसमें फिलहाल के लिए नीचे कोई सपोर्ट नहीं है डायरेक्ट ये जो फिफ्टी टू भी है वही है ओके और उसके बाद ये सॉरी इसके बाद ये अपट्रेंड चैनल है सो वी मीन टू से दोस्तों कि फिफ्टी टू वी ग्रो बनाना इट्स नॉट अ गुड साइन जिसे सिंसेयरली लेना चाहिए मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो जीरो कर दो क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी राइट right? बहुत सारे वीडियो हमने आपके लिए अपलोड किए भी थे अभी भी चैनल पे है ही ये वाले लेवल से भी सेल मिला था डोजी से ये वाले स्पिनिंग टॉप से भी मिला था वीकली चार्ट से बट इट्स ओके हम सिर्फ आपको बता रहे हैं दोस्तों कि ठीक है जो रह गया है उसे छोड़ दीजिए पर फिलहाल के लिए जब तक स्ट्रेंथ ना दिखे तब तक आपको संभालना है दो सौ तीन सौ पाँच सौ पॉइंट भी निफ्टी में पुल बैक आना बहुत मामूली चीज है राइट पुल बैक फाइंडर करके एक वीडियो है जो मैं वापस आपके लिए बनाऊंगा पर निफ्टी पुल बैक ही नहीं ले रही है जब पुल बैक हमें मिलेगा तब मैं आपके लिए लाइव वीडियो बनाऊंगा है दोस्तों तो फिफ्टी टू वी ग्लो बनना उसे एज अ टेक्निकली मैं अपनी खुद की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ टेक्निकली उसे हम कंसिडर करते हैं द बिगिनिंग ऑफ द बैड ट्रेन राइट तो ध्यान रखिएगा दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर फॉलो द स्टॉप लॉस